पल्स ऑक्सीमीटर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर है क्या और ये काम कैसे करता है। सो गाइस, जैसा कि आपने सुना होगा कि ऑक्सीमीटर का नाम ही है कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो पल्स ऑक्सीमीटर डिजिटल डिस्प्ले है, एक छोटी सी डिब्बी जैसी मशीन होती है जो एक क्लिप की तरह इसके पीछे से दवा देने पर मरीज की उंगली में फंसाया जाता है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। खून में ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसकी रीडिंग मशीन पर लगे डिस्प्ले पर दिख जाती है, जिसके जरिए मरीज कुछ घंटे या नियमित अंतराल पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। इससे आपको सहूलियत क्या होगी? इससे आपको सहूलियत ये होगी कि आपको मालूम चलेगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है, और इन दिनों के हालात को देखते हुए ये एक बहुत ही कारगर मशीन साबित हो रही है उन लोगों के लिए जिन पे COVID-19 का कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हावी है। अब जानते हैं कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं। आपको ऊपर एक तस्वीर दिख रही होगी, इसमें मशीन के ऊपर की ओर एक लाइट लगी होती है। जब मशीन को चालू करते हैं तो लाइट हमारी उंगलियों से होकर नीचे लगे हुए सेंसर पर टकराती है। अब ये सेंसर कैसे काम करता है? ये सेंसर लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा कुछ लाइट को अब्सॉर्ब करता है और कुछ लाइटें उंगली से पार होते हुए नीचे के सेंसर पर टकराती हैं। सेंसर पर आने वाले लाइट की मात्रा के आधार पर यह मशीन ऑक्सीजन का लेवल पता करती है। अगर इस डिवाइस पर 96% की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं 4% रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब इस मशीन में हार्ट रेट भी पता चल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल हेल्दी है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 95 से 100 के बीच में होता है। 95 से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उसके फेफड़े में किसी तरह की परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रही है। सो दोस्तों, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानना उनका भी अधिकार है कि ऑक्सीमीटर है क्या और ये काम कैसे करता है।